ओके सो हाय एवरीवन दिस दर्शन दर्शन रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद कैमरामैन रहे हैं रेगुलर लेक्चर्स की जिसके अंदर काफी सारा कंटेंट काफी सारी में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा तो जितने भी जन ऑनलाइन है फिलहाल गुड मॉर्निंग अंकित गुड मॉर्निंग दिव्यांश गुड मॉर्निंग प्रिया गुड मॉर्निंग विनीता हाई एवरीवन एंड इज सीन दिस लेक्चर सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है स्टे ट्यून्ड पूरा लेक्चर देखे बगर uh, कहीं मत जाना क्योंकि लेक्चर के अंदर काफी सारा कंटेंट आएगा काफी सारी चीजें आएगी जो मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी रहेगा ठीक है लेक्चर शुरू करने के पहले वी विल स्टार्ट गुड मॉर्निंग अमरजीत गुड मॉर्निंग विवांश गुड मॉर्निंग इंटर गुडू गौड गूड, ओके okay. नयन जैन हाई एवरीबडी ठीक है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कुछ मेरे बारे में फिर कुछ आपके बारे में फिर हम जाएंगे सब्जेक्ट के बारे में और फिर बढ़ेंगे आगे बिकॉज एज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हम क्रिएट करें जिससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया आए और आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ आ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कौन आ गया पढ़ाने में जिंदगी में ये खुद ही तो बच्चा दिखता है हमको और क्या पढ़ाएगा जिंदगी में ठीक <laughs> है तो ऐसा ना हो तो ये चीज के लिए सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग नयन गुड मॉर्निंग विजय गुड मॉर्निंग ईशिता गुड मॉर्निंग प्रतेश गुड मॉर्निंग वेदांत हाई एवरीबडी ठीक है आ, अभी गुड मॉर्निंग के मैच रोक दो बिकॉज हमको कंटेंट भी कवर करना है ठीक है फर्स्ट कुछ मेरे बारे में ठीक है सुफर्स सिंह मेरा नाम है दर्शन खरे दर्शन दीपक खरे दर्शन दीपक दीप्ति खरे यू कैन से मॉम का भी नाम लगाना चाहिए जैसे कुछ क्रिकेटर टी शर्ट पे मॉम का नाम लगा के चलते हैं दैट इज गुड थिंग शी हैव बिल्ट योर लाइफ सो मेरा नाम है दर्शन दीपक दीप्ति खरे एंड आई बिलोंग फ्रॉम अमरावती सिटी अमरावती से मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से फिर मैं पुणे में क्लासेस लेना शुरू किया है मैं सी बना है मैंने सी ए कंप्लीट किया है जून टू में जून टू में एग्जाम था क्योंकि तब इलेक्शन थे एंड आई हैव है सी दोनों हुआ है और मैंने बीकॉम भी, <laughs> so भी, so, भी किया है और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आ, इसके साथ साथ मैंने नियरली एक डेढ़ साल तक ऑडिट एक्सपीरियंस लिया है कंपनी लॉ मैटर्स या लॉ मैटर्स का एक्सपीरियंस लिया है मैंने बकायदा तो जॉब किया था लॉ मैटर्स रिगार्डिंग फिनोलिक्स कंपनी आपने शायद सुना होगा स्पाइसर थर्मैक्स से कंपनी आपने सुना होगा तो इनके लॉ और ऑडिट मैटर्स के लिए एज अ कंसल्टेंट फ्रॉम द फर्म मैं वर्क करता था एज अ ऑडिटर भी मैं वर्क करता था तो उस जॉब का भी एक्सपीरियंस है और नियरली मैं पिछले छह सात साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ

मजा आता है बहुत ज्यादा इट इज जस्ट अ हॉबी Uh, मेरा ब्रेड बटर रनिंग वगैरह मेरा फाइनल और इंटर से बहुत ज़्यादा हो जाता है बट uh, फाउंडेशन uh, पढ़ाना ये मेरे दिमाग में था कि हाँ ऑल थ्री लेवल्स पे मैं फाउंड पढ़ाऊँ इसलिए मैं फाउंडेशन पढ़ाना मेरा एक ड्रीम uh, था तो मैं फाउंडेशन पढ़ाना अभी शुरू किया है सो आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों को लेक्चर्स एटलीस्ट पिछले बैच के बच्चों के लेक्चर्स वगैरह पसंद आ रहे हैं सो आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ थोड़े से उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं आप आपके सीनियर्स को पूछ सकते हो जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं सो दे के माइट टेल यू कि किस तरीके से पढ़ाता दो uh, मतलब ये जो आदमी जो खड़ा है आपके सामने इसको पढ़ाते आता है क्या ये आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट मी लेट्स टॉक अबाउट यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप जितने भी फाउंडेशन के बच्चे हो एक तो बहुत अर्ली जो प्रिपेयर कर रहे होंगे माइड भी उनका एग्जाम मे ट्वेंटी वन होगा और जो थोड़ा सा डिलेड प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनके लिए नवंबर ट्वेंटी वन एग्जाम हो सकता है कोई भी एग्जाम हो आप दोनों के लिए लेक्चर देख सकते हो फाउंडेशन लॉ में इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आते सो दिस इज क्वाइट सिचुएशन कि भाई आप सिर्फ ये रेगुलर लेक्चर्स देखो और आपकी काफी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए और बार बार आपको ये बैचेस करने की जरूरत ना पड़े बिकॉज अमेंडमेंट काफी कम रहेंगे सो so ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है दूसरी बात हम जब क्लास रेगुलर क्लास शुरू कर रहे हैं तो क्लास शुरू करने के कुछ रूल्स है ये रूल्स आप सबको पता होने चाहिए कि दर्शन सर किस तरीके से पढ़ाते हैं इस रूल्स को आपको याद रखना है भले हम आ, आप आपके घर पे बैठे हो मैं मेरे घर पे बैठा हूं मेरे स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं पर आप आपके यहां पे हो मैं मेरे यहां पे हूं तो ऐसे सिचुएशन में कुछ रूल सेट करते हैं सो दैट स्ट्रीम में आप इस क्लास को देख पाओ पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि भले ये वर्चुअल लेक्चर्स है या भले ऑनलाइन लेक्चर्स है वॉट इट में भी बट मुझे एक चीज यह समझ में आती है कि बंदे का सीरियसनेस बंदे के अंदर होता है सो so, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये लेक्चर किस तरीके से करना है देखो मैं घर पे तो चेक करने आने वाला हूं नहीं हालांकि मैं आ गया तो घर पे खाना खा के जाऊंगा ये बात अलग है ठीक है लेकिन आप घर पे बैठे बैठे खुद चेक कर सकते हो खुद के ऊपर चेक लगा सकते हो कि मैं एक बार लेक्चर के लिए बैठू तो मैं पूरा लेक्चर खत्म करूंगा ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेक्चर के लिए बैठे बीच में मम्मी ने बुला लिया बेटा इधर आ जा पास के नुक्कड़ के दुकान से राशन लिया मम्मी को बोलना ना मम्मी

रूल नंबर टू मैं लेक्चर चलाते वक्त सेलफोन को कोई छुएगा भी नहीं ठीक है कोई सेलफोन को नहीं छुएगा वैसे आप सेलफोन पे ही देख रहे होंगे तो बात अलग है लेकिन पढ़ाते वक्त अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो सेलफोन को कोई नहीं छुएगा और आप सेलफोन पे देख रहे हो तो कोई दूसरा एप्लीकेशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर मैं पढ़ाते वक्त किसी ने सेल को छुआ तो मैं उसका सेलफोन 24 घंटे के लिए कॉन्फेंसिक्रेट कर लूंगा घर के याद रखना मैं घर के कॉन्फेंसिक्रेट कर लूंगा जितने लोग यूट्यूब पर लाइव आते हैं ना गूगल मेरे को पूरा डाटा भेजता है उनका कि ये रहता कहा इसका नाम क्या है कैसी हरकते करता है यहां तक के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मेरे को नाम नंबर आ जाएगा आपके तो अगर मेरे को समझ में आया कि मैं पढ़ाते वक्त आप सेलफोन पे लगे हुए हो मैं आपका सेल फोन कर लेगा चौबीस घंटे के लिए और उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करेगा चैटिंग भी मैं करेगा याद रखना फिर मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था तुमने ब्रेकअप करवा दिया

तो डेली एक घंटा एक एक घंटा होल्ले हल्ले पढ़ेंगे मेरे को पढ़ाने का स्टेमिना काफी स्ट्रांग है मैं छत घंटे तक एट स्टेज पढ़ा सकता हूं लेकिन तुमको पढ़ने का स्टेमिना है क्या यह भी एक मैटर है इसलिए एक घंटे की क्लास रहेगी कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो हम एक्स्ट्रा वाली बैच भी ले सकते हैं यह चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना सो so, अगर किसी को इसके अंदर कोई क्वेरी है ठीक है ये पुराने बैच के बच्चे आ गए के इसके अंदर चैटिंग में हैं नलायक लोगों सो यू सो मच गाइस सो आई होप सो कि सबको रूल काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं पुराने बैच के सभी नालायक लोग आ गए हैं नालायक बच्चे हैं बहुत बढ़िया ठीक है तुमको भी लॉ वापस से एक बार पढ़ना ऐसी इच्छा हो रही है मेरे को लगता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया आई एम सो हैप्पी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान देना कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से आज हम शुरू करने वाले सबसे पहला लेक्चर पर आज आपको मैं कोई कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको यहां तक के सिलेबस भी नहीं बताऊंगा मैं आपको कुछ ही नहीं बताऊंगा क्योंकि सबसे पहली चीज आज जो जरूरी है वो ये है कि आपको यह समझ में आए कि वॉट इज लॉ मैंने देखा है फाउंडेशन के बच्चे पूरा लॉ खत्म कर देते हैं पर उनको यही नहीं पता होता कि लॉ क्या होता है आप किसी भी फाउंडेशन को पूछ लो मतलब जिसने मेरे लेक्चर शायद नहीं किए उसको शायद ये डाउट होगा पर मेरा हमेशा फर्स्ट लेक्चर सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर होता है व्हाट इज 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 लॉ हाउ हाउ इट इट प्रिपेयर्ड और हम उसको क्यों फॉलो करें ठीक है लेस से कैन एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते रस्ते पर आप चलते हो ट्रैफिक सिग्नल मानते हो सवाल है क्यों वाई क्या जरूरत है कहां लिखा है किसने बोला तुम पागल हो जो माने जा रहे हो

कि तुमने भैया ट्रैफिक लॉ मानना चाहिए ये कहां लिखा है लोगों ने इनकम टैक्स पे करना चाहिए कहा लिखा कहां है हम पागल माने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल है कि है कि लॉ क्या और हम इसको क्यों मान रहे हैं तो ही जाके पढ़ने में मजा आएगा मैं आपको पढ़ा दूंगा धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ में आपको बताऊं लिटरली पाचला पढ़ाना पढ़ा। बहुत बड़ी बात नहीं अभी वनडे मैराथन मैंने लिया था ठीक है दो 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 घंटे में अगर हम लॉ कंप्लीट करें तो भी दस से बारह घंटे के अंदर पूरे लॉ नहीं जाएंगे सिर्फ पढ़ाने की बात है तो लेकिन वैसा हमें करना नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां से लेके फाइनल लेवल तक आपको याद रहे कि दर्शन सर ने क्या बोला था और ये आपका बेस है बच्चों बेस है कभी भी कोई बिल्डिंग बांधते हैं तो बीच में गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर पूरी नींव डालते हैं प्लिंथ डालते हैं फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बांधते हैं तो आज हम प्लिंथ डालेंगे हम ये देखेंगे कि बेसिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए बेस में दम है बेबी को बेस पसंद ही नहीं नालायक बेस में दम है ये बोल रहा हूं मैं तो ये चीज को अच्छे तरीके से आपने याद रखना सो so, हम क्यों लॉ मान रहे बिकॉज इट इज अ लॉ ना 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 ठीक है चलो लॉ मतलब क्या मेरे को कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब के से कि लॉ का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से लॉ मतलब क्या होगा व्हाट इज लॉ ठीक है कुछ भी जो आपके मन में आंसर है आप कमेंट में डाल सकते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप स्टूडेंट हो गलती करना आपका हक है मैं टीचर हूं आपको सही राह पे लेके आना मेरा हक है तो मैं लेके आऊंगा पर आप गलती करो तो बेटर है तो वॉट इज लॉ व्हाट डू यू थिंक रूल्स प्राची गवंडे बोल रही है इफ आई एम प्रोनाउंसिंग मैं किसी का नाम मिस प्रोनाउंस कर दू तो आई एम वेरी सॉरी ठीक है लेकिन किसी ने कमेंट किया है कि सर ये रूल्स है कि ये कानून है है किसी ने लिखा सर कानून है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं चलो बहुत बढ़िया और कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलशन रूल्स एंड रेगुलेशन रूल 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 लिख रहे ओके 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 स्टॉप आगे आ गया, आ गया। में आ गया सर जितने लोगों ने बोला है प्राची श्रुति वरुण बिपुल सब ने बोला है कि सर ये रूल्स रेगुलेशन है इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं लेट मी रिफ्रेज माई क्वेश्चन मैं मेरे क्वेश्चन को रिफ्रेज करना चाहूंगा ठीक है थोड़ा सा आपके समझने के लिए मैं जब पूछता हूं वॉट इज लॉ आई डोंट मीन टू आस्क यू ट्रीटमेंट ना हम्म आई डोंट मीन टू आस्क यू ट्रीटमेंट मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे सिम्टम नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे डिसीज पूछ रहा हूं डिसीज जैसे कोरोना इज अ डिसीज ठीक है उसका ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट वैसे कोरोना का है नहीं बट उसका ट्रीटमेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करो ठीक so, है एंटीवायरल दवाइयां लो सो कोरोना इज अ डिसीज कोरोना के सिम्टम है बुखार आना सांस लेने में तकलीफ होना गले में खराश होना ये कोरोना के सिम्टम है मैं आपको सिम्टम नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है अब जितने लोगों ने यहां पे ये बोला है, है कि सर रूल्स रेगुलेशन रूल रेगुले रेगुलेशन रूल रेगुलेशन कानून रूल रेगुलेशन नियरली वही आंसर दिया मुझे एक बात समझाओ मुझे एक बात का आंसर दो रूल्स और रेगुलेशन डिसीज है या ये ट्रीटमेंट है बताओ मुझे कमेंट्स में कि भाई जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है बताओ जरा कमेंट्स में लगता है आपने जो रूल्स रेगुलेशन सबने जो लिखा जितने लोगों ने ऑब्वियसली कोई मतलब ऑब्वियसली आपने जो सोचा है वही लिखा उसके ऊपर कोई ऑफेंड नहीं है मेरा पर मैं कंसेप्चुअली बॉटम लाइन पे लेके जाना चाहता हूं आपको समझो so होता है रूल रेगुलेशन बनाना वेदर इट इज अ डिसीज और इट इज अ ट्रीटमेंट शानदार बहुत होशियार बच्चे है सब तो मतलब वर्चुअल में भी समझ में आ रहे तो आई एम वेरी हैप्पी कि भैया सबने बोला कि इट इज अ ट्रीटमेंट मतलब सबको समझ में आ रहा है कि भाई रूल रेगुलेशन लगाना है ट्रीटमेंट है लेट्स एक एग्जांपल आपके घर का एग्जांपल लेते हैं छोटा सा एक मिनट जाएगा पर काम अच्छा से समझ में आएगा

ट्वेल्थ का रिजल्ट आया टेंथ का रिजल्ट आया पार्टी करने की इच्छा से जाते हो बाहर आप आपके डैड को पूछते हो कभी अगर आप आपके मॉम डैड को बिना पूछे सात आठ बजे नौ बजे दस बजे के बाद जो भी आपका डेडलाइन होगा घर का उसके बाद आप बाहर रह के देखो जब उनको थोड़ी सी चिंता हो उसके बाद नहीं देखो मत ऐसा मत करना और करो तो मेरा नाम मत लेना नालायक हो ठीक है मैं पहले ही बोल रहा हूं बाहर रहो <laughs> रह सकते हो लेकिन मेरा नाम मत लेना पर अगर आप घर के बाहर थोड़ी देर ज्यादा रह जाओ ना इमीडिएटली आप जब घर आओगे इमीडिएटली आप जब घर आओगे तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे, तुझे तुझे बाहर का था। तुम बोलेंगे नहीं, मैं दोस्तों के साथ घूमने का, का। पप्पा कोई टाइम ही नहीं होता कभी भी घूम लो पप्पा देंगे कल से सात बजे के पहले मेरे को तो घर के अंदर चाहिए पप्पा ने बोल दिया डिसीज क्या था तुम बाहर घूम रहे थे

कल सात बजे के पहले मेरे को घर के अंदर चाहिए ये रूल लिख दिया पप्पा ने कहीं लिखा नहीं है घर में ये पर ये रूल बना दिया पप्पा ने सो so, तुमने डिसीज क्रिएट किया पप्पा ने ट्रीटमेंट बोला सिम्टम क्या था पप्पा को तुम दिख नहीं रहे कहा गया मेरा बेटा कहां गई मेरी बेटी कहां गया मेरा बेटा कहां गई मेरी बेटी सो तुम बाहर रहे इस डिस क्योंकि तुम्हें डैमेज हो सकता था सिम्टम दिखा घर पे पप्पा देख रहे कहां गया कहां फोन वोन नहीं लग रहा कहां चला गया ट्रीटमेंट सात बजे के पहले घर पे चाहिए समझ में आ रहा है डिसीज सिम्टीटमेंट कंसेप्ट में आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोले को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा क्लियर है कंसेप्ट अब मैं शुरू करता हूं लॉस से ऐसे दो चार लॉज के एग्जाम्पल देखेंगे ना दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाएगा कि दर्शन सर बोलना क्या चाहते हैं ठीक है हाँ डाउट वगैरह है तो बिल्कुल हम डाउट वगैरह सब सॉल्व करेंगे जस्ट दो मिनट के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा वेट कर लेना ठीक है बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना सबको समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ जरा एक बार बच्चों, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं फटाफट फड़ कमेंट में बताओ आज पांच दस सेकंड का फड़ मेरे को सबको समझ में आ रहा है क्या हाय मनु एवरीबॉडी हाय हाय बीपुल बट समझ में आ रहा है क्या दैट इज रिक्वायर्ड बहुत ही बढ़िया अब हम स्टार्ट करते हैं अगर सबको समझ में आ रहा है तो अब मैं एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करता हूं ठीक है एक एक एग्जांपल लेंगे धीरे धीरे लेंगे होली होली लेंगे समझ में आएगा अब थोड़े से लॉ के हिस्ट्री से शुरू करते हैं मैंने आपको तरीका तो बोल दिया चलो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस करके शानदार नेहा मनु नासिक नासिक कौन है ओके सबके नाम पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कंटेंट फर्स्ट बट थैंक यू सो मच जितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं जानदार ठीक है अब शुरू करते हैं लॉ के हिस्ट्री से कि भाई लॉ पहले कहां बनाया गया था सो सिंपल सी बात है अगर मैं बोलू तो इस अर्थ पे इस धरती पे अगर कोई सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमें पता है तो नॉर्मली मतलब सिविलाइजेशंस बहुत थी मायांस थे एस्टिक्स थे गॉथिक्स थे वाइकिंग्स थे लेकिन उसमें से सबसे एडवांस सिविलाइजेशन कोई थी जिन्होंने बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए दो इजिप्तिशियंस पिरामिड अभी भी बरकरार है अगर आप ठीक से देखो तो सबको है हाँ ना? So, अगर मैं आपको बोलू तो लॉ ये स्टार्ट होता है तीन हजार बीसी से बीसी मतलब नालायक गाली नहीं है इमीडिएटली सर बीसी गाली दी गाली दी नालायक हराम खोर गाली नहीं है ये बीसी ठीक है इट इज बिफोर क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के जन्म के तीन हजार साल पहले एंशियंट इजिप्तीशियन सिविलाइजेशन ने कुछ बारह बुक्स लिखे थे उन बारह बुक्स के अंदर इजिप्तीशियन लोग किस तरीके से काम करेंगे किस तरीके से उनके काम चलेंगे सोशल इक्वालिटी क्या है इंपार्शियलिटी क्या है लॉजिप्टिशियन तो ने बनाए थे इजिप्तीशियन लोग इसको ड्राफ्ट करते थे उसके बाद अगर मैं आपको बोलू तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लॉ बनाए और आज के डेट में इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई लॉ है या सबसे बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो मैं फक्र के साथ यह कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमने भी ऐसे कॉलर टाइट कर लो जिसके पास कॉलर नहीं होगा वो भी टाइट कर लो कॉलर ठीक है फक्र के साथ तुमने बोलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह आज तक का लिखा हुआ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में दुनिया में 205 के आसपास कंट्रीज भैया उसमें से इंडिया एक लोटी, एक लोटी ऐसी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है चार आर्टिकल है

ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये चीज को आपको समझना जरूरी है अब अगर मैं सिंपली एक सवाल पूछूं जो मेरा पहले से था चलो मैंने ये तो बोल दिया हिस्ट्री क्या है और सबसे बड़ा लॉ क्या है व्हाट इज लॉ एंड इज रिक्वायर्ड लेट्स टेक लेक एग्जांपल मैंने आपको आपके पार्टी का बाहर जाने का एग्जांपल दिया एक और एग्जांपल लेते हैं लेट्स एक स्टोन एज पता है सबको स्टोन एज स्टोनिज 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 पता होगा पत्थरों का जमाना पथरीले लोग ठीक है जब वो पत्थरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे पत्थरों से ही सब बनाते थे पत्थरों से हथियार पत्थरों से लोगों को मारने के लिए पत्थरों से यू कैन से टूल सब पत्थर का बना दिल भी पत्थ नहीं। तब दिल पत्थर का दिल तो पत्थर का अब है तब तो बहुत सॉफ्ट दिल हुआ करता था एनी सब पत्थर के लोग रहते थे तब हमारे पास कोई व्हीकल नहीं थे तो हमारे पास दो ही तरीके थे कहीं पे भी जाने के एक तो खुद भागो या किसी एनिमल के ऊपर चढ़ के चले जाओ ये दो ही तरीके होते हैं एक तो खुद भागो नहीं तो किसी एनिमल के ऊपर चढ़ के चले जाओ तब हमारे पास कोई गाड़ियां वगैरह नहीं थी फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ठीक से सुनना धीरे धीरे सिविलाइजेशन एडवांस हुई चक्के का इजाद हुआ चक्के का इजाद हुआ लोगों को समझ में आया चक्का वगैरह यूज कर सकते फिर हमने एनिमल्स को यूज करना शुरू कर दिया एनिमल्स को राइड करना शुरू कर दिया अब एनिमल्स को भी खुद का दिमाग होता है एनिमल्स भी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं करते आपने हार्डली कभी देखा होगा कि एक घोड़ा बम जोर जोर से भागते आया और दूसरा घोड़ा भागते आया दोनों घोड़े भिड़ गए दे आर फाइटिंग ऐसे कभी नहीं होता दो घोड़े भिड़ गए या दो बैलगाड़ी आई भिड़ गई अन्देजर, अन्देजर रेसिंग या फिर वॉर वाला सिचुएशन है। so, देखा तो हमने जब को भी पर व्हीकल को खुद का दिमाग नहीं होता व्हीकल दिमाग यूज करती है चलाने वाले का अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे पास दिमाग होना चाहिए कि कैसे चल रहा है ठीक है हालांकि इंडिया में लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं होता बट

18 साल के नीचे हो व्हीकल चलाने नहीं चाहिए बिना लाइसेंस के सर मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है तो चला बेटा कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन आजकल आप व्हीकल चलाते हो लेट्स इमेजिन दो मिनट के लिए इमेजिन करते हैं सुहानी सी सैटरडे की शाम है पेंडेमिक वाली नहीं कोरोना वाली नहीं है कोरोना में तो कहीं जा नहीं सकते इमेजिन करो थोड़ी सुहानी सी सैटरडे की शाम थी तुम घर पे बोर हो रहे थे तुम्हारे दोस्त का फोन आया हेलो मेरे भाई तुम बोलते, oh boy, fine, तुम बोलते हो बॉय हाउ आर यू बॉय वो बोलता है आई एम फाइन बट आई एम गेटिंग बोर्ड आई एम गेटिंग बोर्ड तुम बोलते हो क्या हो गया भाई वो बोलता है चल भाई घूम के आते हरियाली देखते हैं हरियाली हरियाली तो समझ गए होंगे नालायक लोग हैं तो आपके दोस्त ने आपको फोन किया बोलता है चल भाई हरियाली देख के आते हैं तो हरियाली चल देख के आते गाड़ी निकाली और तुम जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का सबसे हरियाली वाला एक रोड होता है मैं बहुत सारी सिटी में तो नहीं गया पुणे में एक हरियाली वाला रोड है एफ सी रोड जहां बहुत हरियाली होती है दिल्ली में मैंने सुना है कनॉट प्लेस बहुत हरियाली होती है इंदौर में मैंने सुना है छप्पन <laughs> बहुत हरियाली होती है ऐसे में को दो चार जगह के पता है सभी जगह के नहीं पता तो ऐसी हरियाली वाला जगह होती है जहां पे आप आपके दोस्त को लेकर जाते हो अब इमेजिन करो तुम जिस हरियाली के जगह पे जाओगे वहां पैदल तो नहीं जाओगे समझ में आ रहा है सबको सो तुम हरियाली वाली जगह पे चले गए और बाइक लेके अब समझो तुम हरियाली वाली जगह पे गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी तुम चलाते हो सीधी पर तुम्हारी नजरें होती है तेढ़ी तुम्हारी नजरें कहां होती है तेढ़ी समझो तुम गाड़ी चला रहे हो और तुम्हें कोई सीन दिख गया वाह जिंदगी में वाह 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 मतलब गाड़ी जा रही है सीधी नजरें जा रही है टेढ़ी ब्र चलो और अच्छा सीन दिखे अरे बाप रे मां कसम तूफान चलो और भारी सीन दिखा सर गाड़ी तो मैंने ठोक देनी है अरे से।, से, से तुम गाड़ी चला रहे हो तुम्हारा ध्यान नहीं है तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुम गाड़ी ठोक दोगे बोलो हाँ ना गाड़ी ठोकोगे नहीं ठोकोगे इधर नहीं ठोकनी है गाड़ी नालायक इनको नहीं ठोकनी ये हरियाली है इधर नहीं तो तुम गाड़ी ठोक दोगे वजह से ट्रैफिक जाम हो जाएगा हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा सीन दिख जाए तुम गाड़ी वही के hmm, देखते बैठो तो तुम्हारे वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए अब अब देखना गाड़ी तुम्हारी दिमाग तुम्हारा चला तुम रहे हो ठोकी तुमने ट्रैफिक जाम तुम्हारे वजह से गाड़ी ठोकी अच्छा जो लोग बहुत गौर से देख रहे हैं उनके लिए भी फोटो है <laughs> और देखो गौर से नालायक फोटो फोटो देखो देखो या या, वाह वाह शानदार तूफान अब कितना मस्त फोटो है ना यही देखना सर तुमने गाड़ी ठोकी गाड़ी ठोकने की वजह से क्या होता है आदमी आईसीयू में एडमिट होता है फर्स्ट थिंग ट्रैफिक जाम होने से क्या होता है सिर्फ तुम्हारा नहीं आसपास के सभी लोगों का टाइम बर्बाद होता है जब ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया ट्रैफिक जाम गाड़ी ठोकना बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली हुआ क्या गवर्नमेंट को लगा ये कुछ सही बात नहीं है तो गवर्नमेंट ने उठा के तुम जैसे दीवानों के लिए तुम जैसे आशिकों के लिए तुम जैसे हरियाली प्रेमी लोगों के लिए तुम जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी वालों के लिए विटामिन ए की डिफिशियंसी समझते हो ना आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है तुम जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी वालों के लिए गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट नाइनटीन जिसको तुम प्यार से बोलते हो ट्रैफिक कंट्रोल लॉ ट्रैफिक कंट्रोल लॉ ना, नाम के इंडिया में कोई चीज नहीं है इंडिया में एक ही है पूरा व्हीकल का और ट्रैफिक का एक ही लॉ है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट ईयर है 1988 में लॉ बनाया गया था इसी के अंदर आपके सभी ट्रैफिक साइन डिक्लेयर होते हैं सभी ट्राफिक साइन एवरी गॉड डैम ट्राफिक साइन इज डिक्लेयर हियर जो भी यू टर्न अप यू टर्न ऊपर वाला टर्न नीचे वाला टर्न जमीन के अंदर का टर्न जमीन के बाहर का टर्न टी टर्न सब 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 बैन स्पीड लिमिट सब ये इसके अंदर बोला गया है और जो आपके ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना ग्रीन ऑरेंज रेड ये भी इसके अंदर बोले हैं हालांकि हमारे यहां ट्रैफिक सिग्नल का मीनिंग अलग होता है उन्होंने लिखा किस तरीके से और हमने लिया किस तरीके से हमारे यहां ग्रीन का मतलब होता है लेट्स गो ऑरेंज का मतलब बाकी देशों में होता है लेट्स स्टॉप हमारे यहां ऑरेंज का मतलब है लेट्स गो फास्ट ग्रीन लेट्स गो ऑरेंज लेट्स गो फास्ट और रेड मतलब इफ देर इज नो मामू मामू नहीं है लेट्स गो बराबर है यही तो हमारे ट्रैफिक नालायक लोगों बिल्कुल गाड़ी ना चलाना जो लोग ऐसा सोचते हैं ट्रैफिक खराब करके रख दोगे तुम सो so, यह है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट जिसके अंदर यह सब चीजें लिखी गई है कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं जोर से बोलो बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए क्लियर है कंसेप्ट अब देखो डैमेज था ठीक है जैसे तुम पार्टी गए थे तो तुमको डैमेज हो सकता था यह गाड़ी चला रहे इनको हो सकता है उसके लिए रूल बनाए गए इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में और उसको लॉ डिक्लेयर कर दिया गया ऐसे ही लॉ बनता है सो so, मैं कहना क्या चाहता हूं मैं इन सर आप बोलना क्या कहना क्या चाहते हो सर तुम तो यहां यह कहना चाहता हूं द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन से सिचुएशन डिमांड द लॉ सिचुएशन लॉ को डिमांड करती है कभी भी लॉ ऐसे बनाने के लिए नहीं बनाया जाता कि चलो पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा समय बना देते हैं चार पांच लॉ इसलिए नहीं सिचुएशन को डैमेज होता है इसलिए लॉ बनाया जाता है मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं छाती ठोक के दावे के साथ में यह कह सकता हूं कि आज तक का इंडिया का लॉ कभी भी नहीं बनाया होगा अनलटिल सिचुएशन में डैमेज नहीं होगा अगर सिचुएशन में डैमेज है तो लॉ बनाएंगे अदरवाइज टाइम वेस्ट क्यों करेंगे लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन से सिचुएशन डिमांड लॉ देर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ हर लॉ के पीछे हिस्ट्री है जैसे इंडियन मोटर वहीकल एक्ट मैंने आपको हिस्ट्री बोला कि भैया कार आई बस आई तब जाकेशन हुआ इफ यू रीड द हिस्ट्री थरली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर अगर आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो लॉ आपको बहुत बढ़िया तरीके समझ में आएगा फॉर एक्जाम्पल्स एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो हिस्ट्री के है जो आपको समझाएंगे कि लॉ हिस्ट्री से इंस्पायर होके सिचुएशन से इंस्पायर होके आया है तो शायद आपको ये समझ में आएगा अब ऐसे कौन से लॉज है जो हिस्ट्री से प्रवृत्त हुए हैं हिस्ट्री से बाहर आए हैं जिनको हमने ठीक से जानना चाहिए ठीक है ये लॉज मैं आपको समझाना चाहूंगा ठीक है इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं एक छोटा सा आपने वीडियो देखना ये वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा दो मिनट के लिए मेरे को सेटिंग का मौका देना और अभी तक जो मैंने बोला क्या वो समझ में आया तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा ठीक है मैं आपको एक दो मिनट का वीडियो दिखाना चाहूंगा ठीक है तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा चलो समझ में आ रहा है सबको ये क्लास मे 21 वन एंड नवंबर 21 दोनों के लिए बेटा अच्छा आई होप सबको समझ में आ रहा है अब एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आ जाइए बच्चों छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा लेट्स गो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा एक छोटा सा वीडियो है जी न्यूज के एंकर ने वीडियो लिया है वैसे मैं किसी न्यूज चैनल या पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता पर ये वीडियो इसलिए दिखाना जरूरी है टू तो मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई सिचुएशन की जैसे लॉ आया अच्छा किसी ने कमेंट में लिखा है सर आप तो ये समझा रहे हो कि लॉ क्यों बनाया गया ऑफकोर्स बेटा मैं समझा रहा हूँ लॉ क्यों बनाया गया तभी जाके तो आप ये समझोगे कि लॉ होता क्या है अगर आप किसी चीज के पीछे का हिस्ट्री और रीजन ही जानते रीजन ही नहीं जानते क्यों बनाया जाता है तो आप कैसे समझोगे वो चीज क्या है है और लॉ में तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए मैं समझा के जरूर जाऊंगा आपको ठीक है डोंट सो मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं बड़े से करना अच्छे तरीके से आपको वीडियो दिखाना साउंड थोड़ा टेक्निकल हेलो डिफिकल्टी होगा थोड़ा सा एडजस्ट करना आपके इसको थोड़ा औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। इस औद्योगिक आतंकवाद में न तो हथियार चले थे और न ही किसी का खून बहा था लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस वक्त एक बर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का, तो का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल त्रासदी की पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है हजारों लोगों का यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा भोपाल से गया फिर भारत ओके नाउ दिस आपने शायद सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी ठीक है वॉल्यूम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मैंने वही बोला बेटा आपके सेल से थोड़ा सा वॉल्यूम इधर उधर एडजस्ट करना सिर्फ मिनट की बात है क्योंकि बेसिक क्या हुआ था ये मैं एक्सप्लेन कर दू, फिर थोड़ी देर वीडियो देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे सिचुएशन था कि 1983 में देर वॉज अ भोपाल गैस ट्रेजेडी करके एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी ऑकर हुआ था फॉर द पर्पज ऑफ कि एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी जो केमिकल प्लांट मेंटेन कर रही थी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और उसका जो ओनर था वॉरन एंडरसन नॉर्मली आप जब केमिकल कंपनी बनाते हो या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हो तो आपको स्टोरेज एरिया को बहुत सिक्योर रखना पड़ता है क्योंकि वहां पे कोई डैमेज ना हो पर कुछ हादसे की वजह से भोपाल में यह जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इसका स्टोरेज लीक हो गया और मिथिल आइसोसाइनाइट नाम का एक जो सब्सटेंस था वो हवा में रिलीज हो गया भोपाल के शांति लोकेशन में और रातों रात तीन हजार लोग मर गए रातों रात मतलब भोपाल के उस शांति लोकेशन के तीन हजार लोग रातों रात मर गए तो जो एंडरसन था जैसे ही इसको पता चला वो इंडिया से भाग के इंडिया से निकला और यूएस में भाग गया यूएस में फरार हो गया तो दिस न्यूज इज अबाउट दैट मतलब आपको समझ में आएगा कि इस न्यूज का सबसे बड़ा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है सो so, आपको देखना है वीडियो अगर देखना है तो मैं कंटिन्यू करता हूं अदरवाइज मैं थोड़ा कर समझ इमीडिएटली अगले कंटेंट पे जाऊंगा अगर देखना है तो बताइए मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है दो तीन दिसंबर में ये हुआ था राइट बराबर है so, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे यस रिपोर्ट्स के बाद पता चलता है कि ऑब्वियसली टोल काफी हाई था ठीक है सो so, दो मिनट के लिए हम वीडियो देखेंगे ज्यादा देर भी नहीं मतलब जिसको नहीं देखना उसका कोई टेंशन नहीं बट इसके कुछ कांसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए जो बहुत जरूरी है तो, रेडी और आखिर में वो द्वितीय विश्व युद्ध आज से ठीक 32 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिकी आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई इस अवधि का थे और ना ही किसी का खून बहा था लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस वक्त एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना और वैश्विक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मज़ाक उड़ा रहा है हजारों लोगों का قاتل यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन जो मैं बोल रहा था वॉरन एंडरसन पर्सन जो भोपाल का वो उस कंपनी का जो ओनर था उसके बारे में बोल रहा है वो भाग गया लिटरली। यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना प्रौद्योगिक तो आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा भोपाल से गया फिर भारत से से और आखिर में वो दुनिया भी चला गया लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हम हमारा कानून और हमारे राजनेता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए इस रात नेपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है लेकिन बत्तीस साल बाद

सो so, अगर वो सेम न्यूज पब्लिश करे तो ऑब्वियसली इसमें पैसे वैसे खिलाने का कोई सीन नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको कोई एडवांटेज नहीं है तो नॉर्मली मैं आपको वही न्यूज दिखा रहा हूं जिसके अंदर अडल्ट्रेशन या मटिलेशन के चांसेस काफी कम है क्यों ये न्यूज दिखाया गया आई विल टेल यू फर्स्ट एंड इन दो तीन दिसंबर को ये जो हादसा हुआ था मध्य प्रदेश के शांति लोकेशंस में इस यूनियन कार्बाइड कंपनी के इस भोपाल गैस ट्रेजडी में पांच लाख लोगों से ज्यादा लोग इसके चपेट में आए हैं मतलब अगर मैं बोलूं तो उस रात ही तीन हजार के आसपास लोग मर गए वहां से लेके अभी तक टेंटेटिवली अगर हम ये बोले तो नियरली हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया चार हजार के आसपास डेथ हुई है और परमानेंटली डिसेबल लोग 40 के आसपास परमानेंटली डिसबल लोग नहीं मिले और एडिशनली चार हजार मर गए थे अभी तक आठ हजार लोग मर गए और पांच लाख से ज्यादा लोग इसके चपेट में आए हैं मतलब इस गैस लीक की वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि चार जनरेशन तक के इस गैस के इफेक्ट दिख रहे हैं और जो ओनर था वॉरन एंडरसन वो इंडिया से भागा भागा 2014 में उसकी मौत हुई यूएस में कैलिफोर्निया में और उसके तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन वसूलना था जो इंडियन गवर्नमेंट वसूल नहीं पाई अब आपको मैं बताऊं देखो हादसा किस दिन हुआ था हादसे का डेट देखो दो तीन दिसंबर 1984 और जो लॉ बनाया गया है मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था ना कि देखो लॉ किस दिन का है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि ये हिस्ट्री से बनाया जाता है तो जो बच्चों लॉ बनाया गया है ये लॉ आप देखोगे तो बनाया गया है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट नाइनटीन मतलब ऑब्वियसली डैमेज पहले हुआ सिचुएशन पहले आई बाद में लॉ बनाया गया तो आप ऐसा कोई लॉ नहीं देखोगे जो पहले बनाया गया बाद में सिचुएशन आई इंसान को समझेगा कैसे लॉ बनाना है इंसान को समझेगा लॉ बनाना है तब जब ऑलरेडी डैमेज कर चुका हो जब डैमेज दिखता हो तो हम सोचेंगे कि कि लॉ लॉ बनाना है अदरवाइज हम क्यों बनाएंगे तो ये एक हुआ सिचुएशन बहुत क्लासिक है लॉ बनाने का और उन्होंने देखो लॉ का नाम भी क्या रखा है प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम मतलब हादसा हो गया अब जिन लोगों को कंपेंसेशन देने जिन लोगों को क्लेम देने हैं उनको किस तरीके से हम गवर्न करेंगे ये यहां पर बोला गया है Concept समझ में आ रहा है सबको हाँ ना तो ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों आपको समझना जरूरी है कि लॉ कैसे आता है एक और एग्जाम्पल लेते हैं डाउरी प्रोहिबिशन डाउरी सुना होगा डाउरी हुंडा बारातियों का स्वागत तो पान पराग से ही किया जाए ठीक है आजकल डाउरी बहुत बड़ी चीज होती है ठीक है तो ये चीज को भी आपने याद रखना चाहिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बनाया गया हुंडा बंदी डाउरी बंदी तो ये बनाया गया 1961 में दहेज बंदी पर मुझे एक बात बता डाउरी क्या 1960 में या फिर uh, 1961 के बाद हुआ था डाउरी तो राजा महाराजाओं के जमाने से चलता रहा आपने मूवी देखे होंगे जोधा अकबर बाहुबली उसके अंदर तो आपने देखा होगा कितना बड़ा डाउरी देते हैं कंसेप्ट समझ में आया एकदम हाथी घोड़े पालकी सब भेज देते हैं लड़की के साथ में तो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बनाया गया था पर डाउरी तो सालों से चलता रहा है मतलब सिचुएशन पहले था लॉ बाद में बना चलो और क्लासिक एग्जांपल देता हूं द बेस्ट वन ठीक है फोटो दिखाए बोलो बोलो फोटो देखा देखा है तो जरूर मुझे जरा सा नाम बता दो ये कौन है तो मेरे को समझ में भी आए कि आपने न्यूज देखे हैं या नहीं देखे हैं? ठीक है बताओ बताओ जल्दी नाम बताओ मेरे को सब आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग कसाब कुत्ता शानदार जबरदस्त ठीक है अगर आपने ठीक से देखा होगा कसाब सबको बता होगा ये कसाब है करके ठीक है सब एवरी वन दिस इज द कसाब राइट Yes no? Chalo, बहुत है। को का मिला था, और इसको जब हैंग टिल डेथ की बात चल रही थी तो ह्यूमन राइट्स वाले इसके साथ में आ गए थे कि नहीं ह्यूमन इट इज एंटी ह्यूमन इसको अच्छा खाना दो बिरयानी खिलाओ ये काम चल रहा था वहां पे ह्यूमन राइट्स वालों की वजह से मेरी तो इच्छा हो गई थी इसके साथ में उनको भी चढ़ा दो ठीक है एक ही बार का निपटारा हो जाए तो सबको शायद पता होगा कि कसाब है है जेठालाल जेठालाल से आया नालायक आदमी क्या ठीक है जैन जेठालाल है क्या आगे सो कसाब अब इसको हैंग ट्रिल डेथ हुआ था साथ में संजू बाबा संजू बाबा के ऊपर की केस चला था अभी तो मूवी भी आई थी संजय दत्त जी को आम सेट के अंदर कॉन्विक्ट किया गया संजय दत्त जी को जब पूछा कि आपके पास ए के फोर्टी सेवन और ग्रेनेड क्यों आए तो उन्होंने बोला कि मैंने मेरे प्रोटेक्शन के लिए एके फोर्टी सेवन और ग्रेनेड रखे थे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती आपने आपके प्रोटेक्शन के लिए ए के फोर्टी सेवन रखी क्यों रिवॉल्वर नहीं मिलती लाइसेंस रिवॉल्वर नहीं मिलती और आप तो सेलिब्रिटी थे एज अ सेलिब्रिटी स्टेटस तो आपको बहुत जल्दी रिवॉल्वर लाइसेंस रिवॉल्वर मिलना चाहिए था आपके डैड सेलिब्रिटी है उनको भी रिवॉल्वर मिलना चाहिए नहीं मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने एके फोर्टी सेवन रखी कल मैं बोलूंगा मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने रॉकेट लॉन्चर रखा है कि भाई मेरे को धोखा लगा मैंने फायर कर दिया बूम दो पांच घर उजाड़ क्या है चलेगा मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने मिसाइल खरीद के रख लिया है पैसा मेरे पास में एक मस्त मिसाइल ले लिया सौ दो सौ करोड़ का और मेरे घर का जो कंपाउंड है उसके ऊपर लगा के रख दिया किसी ने भी मेरे से पंगा लिया प्रोटेक्शन सब समझ में आ रहा है क्या जायज है नहीं

वहां जब हमला हुआ तो इन सबके फटके हाथ में आ गई ठीक है अरे ये तो यहां पहुंच गए अब नया लॉ बनाना दो हजार एक पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ और देखिए लॉ का ईयर कौन सा है द प्रिवेंशन ऑफ टू था क्यों क्यों उसके पहले 2000 में नहीं बन सकता था 1999 में बन सकता वैसे भी तो आपने 1995 तक के रखा था उसके बाद तो नए लॉ का आपने ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया था नहीं बोले हमारे पास नहीं पहुंचे अभी हमारे पास पहुंच गए यहां बम फोड़ दिया हमारे बाजू में नीचे

लॉ सिमटम नहीं है लॉ डिसीज नहीं है लॉ ये वो ट्रीटमेंट है जो हुए हुए डिसीज को खत्म करे और आगे वापस आने से रोके इट इज अ ट्रीटमेंट एज वेल एज इट इज अ वैक्सीन विच क्योर द एग्जिस्टिंग डैमेजेस एंड टेक्स अ प्रिकॉशन दैट नो अदर डैमेज शॉल अकर इन द फ्यूचर ये है लॉ लॉ का मतलब है कि जो डैमेज चल रहा है हम उसे बंद करेंगे और फ्यूचर में कोई डैमेज होने नहीं देंगे हम इसको लॉ कहते हैं सो so ये चीज को आपने याद रखना कोई भी लॉ आप इसके बाद देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले इसने डैमेज रोका है और आगे पहले इसने डैमेज खत्म किया है और अब आगे आने से रोक रहा है कोई भी लॉ उठा के देख लो एनी गॉड डैम लॉ आप बोलो इसको हम लॉ कहते हैं Concept समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना जोर से बोलो ऐसा नो सो ना। so, मैं आपको बोलना चाहूंगा ठीक है कि आप एक दो सेंटेंस आपके नोटबुक में अभी रिकॉर्ड करके रखो पहला सेंटेंस है ये वाला ठीक है ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फिर इसके नीचे हम लॉस के नाम लिखेंगे कोई एक दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा इट फास्ट शानदार आपको समझ में आ रहा है क्या कमेंट में कृपया प्लीज मुझे बताइएगा यही न्यू बैच है कुछ बच्चे पूछ रहे सभी लेक्चर यहां आएंगे क्या नहीं बेटा कुछ स्टार्टिंग के डेमो लेक्चर यहां पर आएंगे ठीक है उसके बाद में फिर आई गेस आपको करंट सर एडवाइस करेंगे कुछ तरीके से आगे आपको चलना है कार नाइनटी एट नाइन ना विनायक सवा बारह बजे स्टार्ट करता हूं लेक्चर लेना ये रेगुलर लेक्चर है बेटा ये फास्ट ट्रैक भी नहीं है ये कोई मैराथन भी नहीं है दीज आर वेरी रेगुलर लेक्चर्स जो मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए है पूरा सिलेबस होगा पर यहां होगा क्या दैट इज नॉट श्योर पूरा सिलेबस यहां हम कुछ पहले डेमो लेक्चर्स ले रहे हैं लॉ का पेंडिंग मैराथन भव्य अभी तो टाइम है आपको अभी और एग्जाम पोस्टपोन हो गई बीच में ले लेंगे अपना कंपनीज और ये भी बाकी है सिर्फ ओनली एल एल पी तो बाकी तो तीन चैप्टर हो गए मेन यही न्यू बैच है बेटा लोकेश्वरा ठीक है कुछ लेक्चर्स हम यहां पे ले रहे हैं यूट्यूब पे बचे हुए आपको इनक्रिप्टेड मिलेंगे हाँ लॉके रेगुलर लेक्चर्स में ही लेने वाला हूं मन शरुदन ये सेंटेंस लिख लिया सबने नोट कर लिया नोटबुक में नोट करना जरूरी है टाइम पास ना करना मैं जितना बोल रहा हूँ, टिकट एज अ रेगुलर लेक्चर सब नोट करके रखना बार-बार लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े नोटबुक में ही सब होना चाहिए अब ये सेंटेंस आपने लिख लिया होगा सबने आई होप हो गया सबका आज से ही रेगुलर लेक्चर शुरू हुआ है बेटा चलो ये सेंटेंस आपका लिखना हो गया होगा तो इसके बाद में आपने ये लॉ के सिर्फ नाम लिखना है पूरा थीसिस नहीं लिखना है सिर्फ लॉ के नाम लिखना है सो एग्जाम्पल आपको समझ में और कभी पूछा तो आप एग्जाम्पल भी कोर्ट पर हुआ ठीक है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसीजिंग ऑफ क्लेम एट ये लिखना है आपको पहला नाम नाम लिख लिया सबने बहुत बढ़िया इसके बाद आपको डाउरी वाला नाम लिखना है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डाउरी <coughs> प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सिक्सटी वेलकम बेटा वेलकम सो मच वेलकम भी सब नेक्स्ट वन ऑफ एक्टिविटी ये ये तीसरा ये नाम लिखने हैं मतलब आपको नाम पढ़ के याद आ जाए कि सर ने बोला क्या था ठीक है हाँ, पूरा फाउंडेशन सिलेबस का लॉ का क्लास सिर्फ मैं लूंगा बीसीआर बीसी BC का मैं लेने वाला वो करंट सर लेंगे डन एवरीबडी ये सो नो सो so, तीन लॉज के हम नाम लिख लिए अब मैं जरा आगे जाना चाहूंगा अब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे ठीक है अभी मैंने आपको बताया लॉ क्या होता है एक स्टेप ऊपर जाएंगे छोटा सा कंसेप्ट है आज ही कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान दे देना ठीक है क्वेरी वापस पोस्ट करना बेटा नरेंद्र ठीक है लेट्स गो सो so, नेक्स्ट सवाल मुझे आता है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लॉ बनाया जाता है ऐसे कितने फैक्टर जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है ठीक है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है तो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि लॉ बनाने के लिए कितने फैक्टर्स जरूरी है ये भी आपको कोई नहीं बोलने वाला मतलब फाइनल तक के बच्चा आ जाता है और उसको पता नहीं रहता कि ये इतने फैक्टर्स है लॉ बनाने के लिए किसी भी लॉ के पूरे दुनिया पूरे दुनिया के किसी भी लॉ लॉके बनाने के चार फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है चार फैक्टर्स सिर्फ सिर्फ चार फैक्टर्स सबसे पहला सेफ्टी कि भैया सिचुएशन को सेव करो भोपाल गैस ट्रेजेडी से लोगों को सेव करो आने वाले भोपाल गैस ट्रेजेडी से या भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी ट्रेजेडी से लोगों को सेव करो सो फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी दूसरा सेफ्टी फ्रॉम व्हाट सेफ्टी फ्रॉम वॉट टेरिजम सेफ्टी फ्रॉम डैमेजेस बॉम्ब बॉम्ब्लास्ट ठीक है सेकेंड बेनिफिट मतलब अगर आपको सेफ्टी मिले तो आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए लॉस से बेनिफिट भी मिलना चाहिए और बहुत सारे लोगों को मिलता है बेनिफिट जैसे एक एग्जांपल हम ले इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट लोगों से पैसा वसूलता है लोगों से पैसा लेता है इनकम के ऊपर टैक्स लगता है आप जब कमाना शुरू करोगे आपको भी इनकम टैक्स लगेगा आपकी भी फटके हाथ में आ जाएगी टैक्स पे करते करते मेरी तो आ ही रही है ठीक है सो इनकम टैक्स जब आप पे करोगे तो इनकम टैक्स का सबसे पहला पोर्शन आपको पता है कहां जाता है इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए ये जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनकी सैलरीज या आर्मी के लिए नेवी के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स इनके लिए लगने वाली गन के लिए शिप एरोप्लेन्स ये कहां से आते हैं या आपने मैंने पे किए हुए टैक्स से आते हैं पर अगर डिफेंस से पैसा बच जाए तो वो आप ही के बेनिफिट के लिए यूज होगा आपका बेनिफिट एयरपोर्ट बनाने के लिए रेलवेज बनाने के लिए बस सर्विसेस रोड्स ब्रिजेस डैम्स बनाने के लिए आप मुझे एक बात बताओ अगर एयरपोर्ट रेलवे और बस सर्विसेस नहीं होते थे तो कल के डेट में हर बंदे को खुद का एक प्लेन लेके घूमना पड़ता था खुद का कार लेके घूमना पड़ता था चलो तुम कार तो खुद की ले लो पर रोड कौन बनाएगा यह तो गवर्नमेंट सबके लिए एक रोड बना के रखता है आपसे पैसा लेके तो पहला पैसा गवर्नमेंट ने कहा लगाया डिफेंस दैट इज सेफ्टी फिर बचा हुआ पैसा कहां लगा है? बाकी चीजों में सोशल चीजों में जो बेनिफिट देकर जाएगी सो दो चीजें लॉ के लिए बहुत जरूरी है जोर से बोलना मन के मन में जहां पे पर बैठे सुनाई दे रहा है अभी बोलो सेफ्टी जोर से ना बोला तुमको तुम्हारे एक्स की कसम ठीक है जोर से बोलो सेफ्टी हाँ अब सुनाई दिया सेफ्टी दूसरा बोलो बेनिफिट जोर से बोलो घर वाले देख रहे आ जाए क्या हो गया देखो चलेगा जोर से बोलो सेफ्टी और दूसरा बोलो बेनिफिट जय माता दी नहीं नालायक जय माता दी बोल रहे जोर से बोलो सेफ्टी जोर से बोलो बेनिफिट जोर से बोलो जय माता दी नहीं सो जोर से बोलो सेफ्टी एंड जोर से बोलो बेनिफिट आंसर समझ में ये दो मेन और आपको होता है हर लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी होता है सेफ्टी एंड बेनिफिट आर रिटर्न थिंग्स इन एवरी लॉ दीज आर रिटर्न थिंग्स इन एवरी लॉ हर लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी है पर दो चीजें अज्यूम्ड भी है दो कौन सी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स आपको सेफ्टी मिले आपको बेनिफिट मिले आपके कॉस्ट कॉस्ट पे पे किसी और के पे आपको सेफ्टी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए ये आपके ही कॉस्ट पे आपको सेफ्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल तुम चोरी करके आए अभी चोरी करके आए तुमको बेनिफिट हुआ पर कॉस्ट तो किसी और को लग गई तो पुलिस पीछे पड़ेगी जरूर पड़ेगी दंडे मारेगी किधर मारेगी नहीं पता पर मारेगी जरूर ठीक है और लेडी पुलिस पड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है हो सकता है एक सांड जैसा काला कलूटा जबरदस्त वाला आदमी पड़ जाए आपके पीछे बम धोए आपको सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर आपकी सेफ्टी आपका बेनिफिट आपके कॉस्ट पे और सबसे आखिरी आता है इथिक्स चल। मैं आपको नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर और इथिक्स का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए ठीक है बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तब जाके आपको समझ में आएगा ठीक है सेफ्टी बेनिफिट दोनों समझ में आए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर लेट्स टेक लग्जाम्पल नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर का अब तुम सीए क्यों कर रहे हो फाउंडेशन में आए हो नवे नवे ताजे ताजे कोरे करकरी गरम गरम बोलो हाँ है ना तो आप नए नए ताजे ताजे कोरे करीत गरम गरम फाउंडेशन में आए हो तो मैं आपको अभी पूछ लू सीए क्यों करना चाहते हो वाई यू डू सी ए क्यों करना चाहते हो तो जो भी सीए करता है ना लड़का उसका एक कहना होता है सर मैं सीए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मेरा एक छोटा सा बंगला हो छोटा सा बंगला कितना छोटा है कितना छोटा सर एटलीस्ट सत्रह अठारह बी एच के सत्रह अठारह बी एच के पागे सर हर रोज अलग अलग रूम में सोऊंगा नालायक कैसी हरकत है नहीं बोले अकेला बोला ठीक है तो हर सीए करने वाला बंदा बोलता है मेरा एक छोटा सा बंगला हो मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो और एक सुंदर सी सुंदर सी हम्म

और तुम करोड़ों में कमाना भी चलो शुरू कर दिए थैंक यू बोलो मेरे को सब थैंक यू बोलो सीए बना रहा हूं। अभी ले बोलो। बोलो, so, लिया, लिया छोटा सा बंगला तुम उस बंगले में रहने भी लगे ताकत से और तुमने एक गाड़ी कार तो चाहिए ना तो तुमने सी गाड़ी ली नैनो करोड़ों में कमाया घर लिया नैनो

नानो के एक्सिलेटर पे पैर डालो शोरूम फोड़ के तुमने नैनो बाहर निकाल दी ताकत से तुम आगे रोड पे नैनो लेके चिरी रेड कलर की नैनो खिड़कियां खोल दी ड्राइविंग आती नहीं थी फिर भी कैसे तुम भी चला रहे हो फुल स्पीड में नानो भगा रहे हो ताकत से अब नैनो की फुल स्पीड मतलब साठ सत्तर जो भी हो पर फुल स्पीड में नानो भगा रहे हो सामने तुम गए नैनो चला रहे हो ड्रूंग ड्रूंग सामने तुम्हें ड्रूं दिखा रेड सिग्नल तुम बोले सिग्नल का और गाड़ी का कलर मैच कर रहा है वाह रेड रेड साइन है कि मैंने आज सिग्नल नहीं फॉलो करना चाहिए आज दिन मेरा गाड़ी मेरी सिग्नल मेरा सब मेरा मैं सिग्नल फॉलो नहीं करूंगा और तुमने सिग्नल तोड़ दिया तुमने सिग्नल तोड़ दिया और बीच चौराहे पे जाके ठोक दी नैनो बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज को बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज को तुमने नैनो ठोक दी नालायक बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज <laughs> नैनो आपको पता है मैंने सर्च किया आप भी करना बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज का टायर सिर्फ टायर विथ इट्स एक्सेल जो उसके अंदर फिट होता है एक्सेल इसका टोटल कॉस्ट जाता है वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ओनली 75, रुपीज ओनली और आपकी नैनो का प्राइस क्या था एक लाख पचास हजार रुपये तो उस टायर और एक्सेल में पूरी की पूरी नैनो आ जाएगी आपने गाड़ी ठोक दी आपने बोला क्या कर दिया मैंने आप गाड़ी के अंदर बैठे रहे बीएमडब्ल्यू वाला आदमी बाहर आ गया बीएमडब्ल्यू वाले ने बोला बाहर निकल तुम अंदर से ही बोले नहीं ना हो बाहर निकल तो उसने तुमको खिड़की से खींच के बाहर निकाला तुम बोले क्या हो गया उसने बोला क्या बीच चौरा है मैं गाड़ी ठोक दी तुम्हारा सिग्नल रेड है तुमने एक गलत किया है तुम बोलते हो तो गाड़ी का सिग्नल के के दे का बोला क्या बोले पांच लाख रुपए दे बोले, बोले पांच लाख रुपए दे तुमने बोला भैया गाड़ी रख लो ये लो नैनो गिफ्ट आज ही नहीं खरीदी रख लो खुश रहो जिंदगी में जा रहा टाटा बाय बाय गाड़ी देना जाएगा बोलो पर हाँ ना अब मुझे एक बात 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 बताओ चलो गाड़ी गाड़ी देना बात की पर बात। तो थोड़ा सोच के तुमने कार कार। तुमने कार कार खरीदी तुम्हारी सीट बेल्ट पहना नहीं पहना तुम्हारी सेफ्टी तुमको गाड़ी में हवा लग रही थी तुम्हारा बेनिफिट तुमने सिग्नल फॉलो नहीं किया और तुमने मजे मजे लेने के लिए सिर्फ मजे लेने के लिए बीएमडब्ल्यू सेवन को गाड़ी ठोक दी तुम्हारे बेनिफिट के लिए खामियाजा किसको लगा बी एमडब्ल्यू सेवन सीरीज तो ये कॉस्ट किसी और को जा सकती है क्या नहीं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेफ्टी बेनिफिट तुम्हारा मजा तुमको आ रहा था ना कॉस्ट भी तुम दोगे दो, दो पांच लाख रुपए वाले को लॉ लॉ है है यही इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट भी आपको यही बोलेगा कि पांच लाख रुपए दो बीएमडब्ल्यू वाले को इसको हम लॉ कहते हैं कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना सो सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर और सबसे आखिरी जो एलिमेंट आता है दैट इज इथिक्स द्स इथिक्स वाला एलिमेंट क्या है इसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए समय लगेगा ठीक है तो आज हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे आज मैंने सिर्फ चार पैरामीटर बोल दिए सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स ये चार एलिमेंट याद रखना सब जन जाने के पहले कृपया करके हाथ जोड़ के बोलता हूं कमेंट करके चाहिए चार एलिमेंट का कौन कौन सा सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर इथिक्स फटाफट कमेंट कर दीजिए फटाफट ठीक है तो मैं लेक्चर छोड़ दूं आज का एक घंटे का सवा बारह से सवा बजे का लेक्चर है तो आज का अपन यहां क्लोज करेंगे क्योंकि इथिक्स समझाने गया समय लग जाएगा तो सिर्फ बता दीजिए सेफ्टी बेनिफिट नॉट और नॉट कॉस्ट ऑफ अदर साथ में मुझे ये भी बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा ठीक है समझ में आ रहा है क्या क्योंकि पहली बार स्टूडियो से फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं मुझे खुद नहीं पता कि मैं टीवी से बात कर रहा हूं दीवारों से बात कर रहा हूँ माइक से कैमरा से बात कर रहा हूँ so, प्लीज बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा ठीक है फटाफट फटाफट सब जन लिखेंगे तुमको तुम्हारे एक्स की कसम याद रखना होता एक्स की कसम तुमको तुम्हारे और पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाइए मतलब आने वाले लोगों को भी लाइक पर से समझ में आएगा कि लेक्चर देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए चलो शानदार लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा जबरदस्त जिंदाबाद थैंक यू सो मच एवरीबडी थैंक यू सो मच ठीक है चार एलिमेंट को आज हम यहां पे रख रहे ओपी 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 जबरदस्त थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू सो मच और हम वापस से कल मिलेंगे सवा बारह बजे कल बचाओ हम इथिक्स से आगे का डिस्कशन कैरी करेंगे फिलहाल ये सारे एलिमेंट आपने याद रखने हैं कल हम यहीं से शुरू करेंगे सो so आज के लिए हम इतना काफी करते हैं देश दर्शन करें साइनिंग आउट गुड डे गॉड ब्लेस यू टेक केयर कल लेक्चर में वापस मिलेंगे ठीक है जो मैंने रूल्स बताया दो सौ पेजेस की बुक रेडी रखना ठीक है थैंक यू सो मच गुड डे गॉड केयर